बाबू पटेल तेल सिर, आज आपको लेके चलूंगा बर्फीली चोटियों से घिरे समुद्र तल से 18,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित पंच कैलाशों में से एक कैलाश, जहां पर स्थित 75 फीट ऊंचा शिवलिंग जहां पर वास करते हैं स्वयं भोलेनाथ। शिव किन्नर कैलाश, श्रीखंड कैलाश, आदि कैलाश, मानसरोवर कैलाश और मणि महेश कैलाश। जहां पल पल बदलता है मौसम, करनी होती है कठिन 35 किलोमीटर की यात्रा, साथ ही यात्रा की कठिनाइयों के बारे में भी जानेंगे। बर्फ की बहुत दुर्गम चढ़ाई, बर्फ बहुत लेकिन पीने का पानी नहीं, ज्यादा कठिन है। कहते हैं कि भस्मासुर को भोलेनाथ ने वरदान दे दिया, लेकिन वह माता पार्वती पर मोहित हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव यहीं से स्वर्ग के लिए रास्ता बना रहे थे। शिमला से 120 किलोमीटर का सफर तय करके आप पहुंचते हैं रामपुर। यात्रा संबंधी सभी आवश्यक वस्तुएं आप यहां से खरीद सकते हैं। श्रीखंड यात्रा की सफलता के लिए आपको जाना होगा रामपुर से निर्मंड गांव जाने वाली बस से देवढांग के महादेव मंदिर में। रामपुर से जाओ गांव की दूरी है 40 किलोमीटर। यह है श्रीखंड यात्रा का पहला कैंप। यहां तक आप गाड़ी से आ सकते हैं। यहां पर ठहरने के लिए छोटे होटल 700 से 1000 रुपए में मिल जाते हैं। देवढांग के महादेव मंदिर की तरह जाओ गांव में भी एक प्रसिद्ध गौरी माता जी का मंदिर है, जहां पर मान्यता है कि यात्रा से पहले आप दर्शन करके जाएं तो आपकी यात्रा मंगलमय और शुभ होती है। जाओ गांव से यात्रा शुरू होती है। अद्भुत नजारों के साथ 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आप पहुंचते हैं सिंहगढ़। यहां पर होता है मेडिकल और रजिस्ट्रेशन। हमारा जूना अखाड़ा है, तो ये श्रीखंड की यात्रा में हमारे गुरुजी श्रीमंत अशोक गिरी जी महाराज फलाहारी बाबा जी छड़ी यात्रा चला रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास यात्रियों को सब सुविधा मिलती है। इस कैलाश में माना गया है कि कभी भी जितनी भी बर्फ पड़े इसके ऊपर, पिंडी के ऊपर कभी भी बर्फ नहीं टिकती है। पांडव लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनकी निशान है यहाँ पे। मतलब कि जितनी प्राचीन ये यात्रा है इतनी शायद ही कोई और हो सकती है। बराटी नाला से थाचड़ू की चढ़ाई बहुत कठिन है। सीधी और खड़ी चढ़ाई है, दंड की तरह सीधी, यानी दंडाधार की चढ़ाई। यह आपकी पहली परीक्षा है। दंडाधार की बहुत कठिन चढ़ाई है। आपको ये चढ़ाई चढ़ के काली घाटी पहुंचना है। पेड़ों के बीच में से आपको पहाड़ों की चोटियां नजर आएंगी। बहुत सुंदर लगता है वो नज़ारा। आप चढ़ते हुए बहुत आनंद महसूस करते हो। वही नज़ारे आपकी थकावट को दूर करते हैं। आप थकेंगे लेकिन बीच बीच में खाने पीने की वस्तुएं मिल जाती हैं। ऐसे स्थान आएंगे जहां टेंट लगे होते हैं, जहां मैगी चाय आदि मिलते रहेंगे। भोले का नाम लेते रहिए। 12 किलोमीटर कठिन चढ़ाई चढ़ के आप पहुंचते हैं थाचड़ू। आप यहां रात्रि विश्राम करते हैं। जैसे ही दंडाधार क्रॉस करके और थाचड़ू को क्रॉस करके आप कालीघाट के पास पहुंचते हैं। कालीघाटी पहुंचते ही आपको पहाड़ों की ऐसी सुंदरता देखने को मिलेगी, आप सारी थकान भूल जाएंगे। काली घाटी से आप आगे चलेंगे तो आएगी भीम तलाई। वहां के बारे में मान्यता है भीम यहाँ स्नान करते थे। यहाँ से आगे चढ़ाई चढ़ते ग्लेशियर नाले पार करते आप पहुंचेंगे कुंसा। भारी बारिश में यह यात्रा डरावनी और जानलेवा हो जाती है। काली घाटी और भीम द्वार के बीच में कुंसा वैली बहुत ही सुंदर जगह है। कुंसा से जब आप भीमद्वार की ओर आगे बढ़ते हैं, खतरनाक नाले पार करने होते हैं, ग्लेशियर और बहुत सी खड़ी उतराइयां उतरनी पड़ती हैं।
वहां से आगे आप पहुंचते हैं भीमद्वार। यहां पर मेडिकल की सुविधा भी मिल जाती है, टेंट और भोजन की सुविधा। बाहर से आने वाले लोग यहां पर भंडारे भी लगाते हैं। भीमद्वार वह स्थान है जहां भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर भस्मासुर का अंत किया था। भीमद्वार से नैन सरोवर की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है, जिसमें 3 किलोमीटर पर एक पड़ाव आता है जो आखिरी पड़ाव भी है इस यात्रा का, वो है पार्वती बाग। पार्वती बाग से ऊपर नैन सरोवर की चढ़ाई शुरू होती है, जहां पर आपको देखने को मिलेंगे ब्रह्म कमल। ये चढ़ाई पथरीले रास्ते से होती हुई नैन सरोवर तक पहुंचती है। पुरानी कथाओं के अनुसार यहां मां पार्वती के आंसू गिरे थे। दो हजार 23 में नैन सरोवर का रास्ता बंद था। 8 जुलाई को भारी बारिश के कारण यात्रा बंद कर दी गई। बर्फीला और पथरीला रास्ता और मौसम की प्रतिकूल स्थितियां, रास्ता इतना कठिन है कि उसे मैं शब्दों में नहीं बता सकता। बर्फ पर चढ़ना मुश्किल तो उतरना और भी मुश्किल है। 2023 में नैन सरोवर का रास्ता बंद होने के कारण पार्वती बाग से आपको सीधे ही श्रीखंड महादेव की ओर चढ़ना था, जो कि बहुत ही कठिन और दुर्गम रास्ता था। नैन सरोवर से आगे चलने पर एक स्थान आता है जिसको कहते हैं भीमशिला। यहां पर ये बड़ी बड़ी शिलाएं कहां से आईं? महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने यहां से स्वर्ग की सीढ़ी लगाने की सोची थी। ये भीमशिलाएं शायद वही शिलाएं हैं। जब तक भोले बाबा की मर्जी ना हो, आप श्रीखंड की यात्रा नहीं कर सकते, ऊपर चढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि भीमताल, भीमशिलाएं, नैन सरोवर, इन स्थानों को देखकर ऐसा लगता है भोले बाबा और माता पार्वती यहीं पर हैं। उन्हीं की शक्ति आपको यहां तक पहुंचाती है। जब तक आपका शरीर खंड खंड ना हो जाए, तब तक आप श्रीखंड की यात्रा नहीं कर सकते। जय बाबा भोले।